और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है, भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से भाग रही है, वीडी शर्मा ने यह बात कही, और चुनाव होने से प्रदेश को मजबूती मिलेगी, यह बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कही गई है। तो वीडी शर्मा ने यह निशाना साधा है, भोपाल से बड़ी जानकारी है। पंचायत चुनाव को लेकर के वीडी शर्मा ने भी यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव होने से प्रदेश को मजबूती मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव से भाग रही है, ये बात वीडी शर्मा की तरफ से कही गई है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बड़ा बयान दिया है, कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से निशाना साधा गया है, और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह बयान दिया वीडी शर्मा ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से भाग रही है और पंचायत के चुनाव होने से प्रदेश को मजबूती मिलेगी। काफी समय हो गया है, पंचायत के चुनाव अब होने चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव से भाग रही है, ये बात वीडी शर्मा की तरफ से कही गई है। बड़ी जानकारी है पंचायत चुनाव को लेकर के, आप देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, और अब वीडी शर्मा ने भी निशाना साधते हुए कांग्रेस गांव-गांव के अंदर उसमें भी व्यवधान होगा, इसलिए बारे इसके बारे में मुझे कुछ बहुत कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस जानती है। कांग्रेस कोई भी चुनाव है उस चुनाव से भागना चाहती है। उनके नेता उनके कार्यकर्ता तो भाग ही रहे हैं, अब कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि चुनाव में जाएंगे तो हमको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो पंचायत चुनाव में डॉल करेक्टर के साथ कभी ये कहते हैं और कभी कुछ करते हैं। तो जिस प्रकार से वो, अगर उनको लगता है कोई लेकुना है तो ये किसी का भी सबका अधिकार है, लेकिन चुनाव में मैदान में उतरना चाहिए उसको छोड़ करके। चुनाव कैसे रुके, पंचायत चुनाव न हो, जो लोकतंत्र का मजबूती का सबसे बड़ा आधार पंचायती राज की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत नीचे के हमारे सभी जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो मजबूत होगी ही। जो विकास का एक रास्ता बना है पंचायती राज व्यवस्था के कारण गांव-गांव के अंदर, उसमें भी व्यवधान होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया, माननीय चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रयास में कि चुनाव व्यवधान हो जाए और चुनाव न हो। प्रेस के बारे में